आचार्य चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैक्यावली भी कहा जाता है। दूसरा, अगर कुछ विद्वानों की बात माने तो वे अपने उग्र और गूढ़ स्वभाव की वजह से कौटिल्य महान के नाम से जाने गए। आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस महान व्यक्ति के अनमोल विचार शुरू करते हैं। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को निर्बल बना देती है। चाणक्य के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 2 गुना ज्यादा फूंक, 4 गुना ज्यादा शर्म, 6 गुना ज्यादा साहस और काम वासना, 8 गुना ज्यादा होती है। सेवक को तब परखे जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। चाणक्य के अनुसार अगर नम्रता सीखनी हो तो राजकुमारों से सीखनी चाहिए। वहीं संवाद की कला पंडितों से, झूठ बोलना जुआरियों से और धोखा देना महिलाओं से सीखना। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। इंसान हो जिसने कभी झूठ ना बोला हो, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के ही पास है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। चाणक्य का कहना था कि ना समझ इंसान, सांप, आग और महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से ले लेती हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊँगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। सिंह
भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। वैश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते, और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिसपे फल ना। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करें। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, यानी धन त्याग देता है। वृद्ध जन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहाँ लक्ष्मी यानी धन का निवास होता है वहाँ सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो बहुत पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आचार्य चाणक्य जी के विचारों को अपनी ऊर्जा में रोज़ शामिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।